गुड मॉर्निंग प्यारे जमशेदपुर वासियों, मानगो के रहने वालों और ईस्ट सिंहभूम जिला के वासियों, अभी आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में भी एक बुरी खबर फिर आई है। ये है डायगुट्टू का इलाका। डायगुट्टू मानगो में जैसे आप एंटर करते हैं तो शुरुआत डायगुट्टू से होता है, लेफ्ट में है, और ये यहाँ पर एक कोरोना केस आया है। तो इस तरह से जमशेदपुर में, और कल 30 मई शनिवार को ये केस सामने आया है, 30 मई 2020 जमशेदपुर में कल ऐसे भी रिकॉर्ड टोटल 43 लोग 43 केस एक साथ मिला, और इससे जमशेदपुर शहर का केस टोटल 95 हो चुका है। और कल जो डायगुट्टू में केस मिला है, तो इस केस की वजह से डायगुट्टू का वो इलाका को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, और कल एक जगह और जुगसलाई में भी एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो डायगुट्टू के जो व्यक्ति हैं वो कलकत्ता से आए थे और उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया था, मगर वो नियम का पालन नहीं करते हुए अपने मोहल्ले में इधर उधर बहुत जगह सैर सपाटा भी कर रहे थे, जिससे उनके साथ साथ ये बीमारी और भी कई लोगों तक फैल गया होगा, ये अंदेशा सामने आ रहा है। इसीलिए उनके घर के आसपास मोहल्ले वगैरह में सील कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। और ये जमशेदपुर शहर का मानगो क्षेत्र में बहुत सारा केस आ चुका है। इससे पहले कल की बात है, शुक्रवार को जवाहर नगर में भी एक केस आया है, जवाहर नगर नंबर 14 में। फिर डिमना रोड में भी बहुत सारा केस सामने आ चुका है पिछला एक दो हफ्ता के अंदर में। और जमशेदपुर में बहुत सारा केस हर इलाका में फैल चुका है। तो जमशेदपुर वासियों से ये आग्रह है, गुजारिश है कि अपने अपने घर में रहें, कम से कम बाहर निकलिए। ये बीमारी घर में तैयार नहीं होता है, बल्कि बाहर से लोग इसको लेके आते हैं, और घर में किसी को बुलाना भी नहीं है। मेहमान नवाजी, दोस्ती यारी, रिश्तेदारी, ये सबको बंद कर लीजिए, क्योंकि बाहर से जो आपके घर में आ रहे हैं आपको पता तो नहीं है कि वो कहाँ कहाँ किसके घर में गए होंगे, कहाँ कहाँ से। तो इस तरह से ये चांस ज्यादा है कि कोरोना फैलने का, इसलिए घर में रहिए, सेफ रहिए। और घर से जब भी बाहर निकलिए, इमरजेंसी में जब बिल्कुल निकलिए, जैसे कुछ घर का सामान वगैरह लाना है तो सामान लेके तुरंत घर आ जाइए, और हाथ वगैरह ठीक से साबुन से धो लीजिए। जब तक बाहर में रहिए, मास्क में रहिए, सामने किसी से बात कर रहे हैं, दुकानदार से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी अगर, तो सामने वाला को सुनिश्चित कर लीजिए कि वो मास्क में है, मास्क में है तभी बात कीजिए, और कम से कम 2 मीटर का फासला बना के रखिए। बिना मास्क वाले से बातचीत नहीं करना है, क्योंकि बात करने से भी ये बीमारी फैल रहा है, ये सामने सिद्ध हो चुका है। और साथ साथ अपने पड़ोसी का ध्यान रखिए, हर जगह आना जाना बंद कर दीजिए, मिलना जुलना बंद कर दीजिए, भले पड़ोसी को लोग बुरा मान लें, ना किसी घर जाना है ना किसी को घर में बुलाना है। जमशेदपुर के साथ साथ ये पूरे झारखंड में भी ये केस बहुत तेजी से फैल रहा है। आज तक का रिपोर्ट है कि पूरे झारखंड में 595 केस हो चुका है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 1,80,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, जिसमें 5,000 से ज्यादा मौत हो चुके हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 62 लाख से ज्यादा 62 लाख 62 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, जिसमें 4.25 लाख लोग मर चुके हैं। सबसे ज्यादा केस वर्ल्ड में अमेरिका में है, जहां पर 18 लाख से ज्यादा केस हुआ है, और वहां पर 1,05,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। नंबर 2 पे केस के मामले में ब्राजील है, और नंबर 9 पर इंडिया आ चुका है। 2-2.5 महीने पहले इंडिया 50 नंबर पे था, बढ़ते बढ़ते हम लोग 9 नंबर पे आ चुके हैं। ये इंडिया में काफी तेजी से केस बढ़ रहा है, इसका संकेत है। तो अपने आप को अलर्ट रहिए, घर में रहिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।